हेलो दोस्तों, आपको शुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज है 24 जुलाई 2023, आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष ईगल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है चिराग शेट्टी और स्वास्तिक साईराज रैंकी रेड्डी। यानी कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष ईगल का खिताब चिराग शेट्टी और स्वास्तिक साईराज रैंकी रेड्डी ने जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चिराग शेट्टी और स्वास्तिक साईराज रैंकी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है हमजा खान। यानी हमजा खान ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हमजा खान। हमजा खान ये पाकिस्तान के नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के मकाओ में आयोजित जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 48 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है अस्मिता दे। यानी चीन के मकाओ में आयोजित जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 48 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक अस्मिता दे ने जीता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अस्मिता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के मकाओ में आयोजित जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 63 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है उन्नति शर्मा। यानी चीन के मकाओ में आयोजित जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 63 kg भार वर्ग में उन्नति शर्मा ने स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए, उन्नति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के मकाओ में आयोजित जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 73 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है अरुण कुमार। यानी चीन के मकाओ में आयोजित जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 73 kg भार वर्ग में अरुण कुमार ने स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है पेट्रो काचिन। यानी पेट्रो काचिन ने स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पेट्रो काचिन। और ये अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड में आयोजित टेमोरे टेनिस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है सुमित नागल। यानी फिनलैंड में आयोजित टेम्पोरे टेनिस ओपन 2023 का खिताब सुमित नागल ने जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है मैक्स वेरस्टापेन। ये लगातार इनका 12वां जीत है। यानी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेरस्टापेन ने जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैक्स वेरस्टापेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन में आयोजित फुटबॉल गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन बना है? और इसका सही आंसर है मिनर्वा एकेडमी एफसी। यानी स्वीडन में आयोजित फुटबॉल गोथिया कप 2023 का खिताब मिनर्वा एकेडमी एफसी ने जीता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिनर्वा एकेडमी एफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहिरू तिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं?
और इसका सही आंसर है श्रीलंका। यानी लाहिरु तिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं और ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसे नौसेना के प्रमुख के लिए नामित किया है? और इसका सही आंसर है लीजा फ्रेंचेटी। यानी लीजा फ्रेंचेटी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने नौसेना प्रमुख के लिए नामित किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए लीजा फ्रेंचेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देशों में 2.75 लाख से अधिक बच्चे लापता हैं। लापता बच्चों के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। यानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देशों में 2.75 लाख से अधिक बच्चे लापता हैं और लापता बच्चों के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है और तीसरा स्थान पर कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के अनुसार 2021 से जून 2023 तक कितने भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है? और इसका सही आंसर है 17.50 लाख। यानी वित्त मंत्रालय के अनुसार 2021 से जून 2023 तक कितने भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है? यानी इसका सही आंसर है 17.50 लाख। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी 17.50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां जीएसटी भवन का उद्घाटन किए हैं? और इसका सही आंसर है अगरतला त्रिपुरा। यानी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला त्रिपुरा में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी अगरतला त्रिपुरा। अब करेंट अफेयर्स रिवीजन, करेंट अफेयर्स रिवीजन ऑफ 23 जुलाई 2023। गुजरात राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है सुनीता अग्रवाल। नेक्स्ट, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर था रविंद्र पंक्षटु। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के डॉक्टर को इंटरनेशनल मायालोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है विंसेंट राजकुमार। नेक्स्ट, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर था शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है? और इसका सही आंसर था आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर था ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया है? और इसका सही आंसर था आईडीबीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी पोर्टल को लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023
विधानसभा में पारित करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? और इसका सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई में आयोजित होने वाले हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभारंभ का नाम क्या है? शुभंकर का नाम क्या है, यानी मैस्कॉट, और इसका सही आंसर था वोमन। इसका इसमें बी ओ डबल एम ओ एन, वोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ग्रुप ने किसे किस देश में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किया है? और इसका सही आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 कब मनाया गया? और इसका सही आंसर था 22 जुलाई। और इसका थीम क्या था? ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, हर साल आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर था 24 जुलाई को।